आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे बुजुर्गो, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, आप कांग्रेस की सफेद गांधी टोपी में अनेक धब्बे काले धब्बे लग चुके हैं। इनकी तो शुरू से ही काली टोपी है, काली टोपी, काला धन, काले धंधे, काले कारनामे इनको आप समझिए। आज देश इस दौराहे पर खड़ा हो गया है। भाइयों, मैं ये कहता हूँ, जो इन पहलवान बेटियों के साथ नहीं, वो देश के भी साथ नहीं है। और जो इनके आंदोलन में नहीं शामिल होगा, वो पक्का नरक में जाएगा। ये आत्म सम्मान की लड़ाई है, अपने आबरू इज्जत की लड़ाई है, और इस लड़ाई को हम आर पार की लड़ाई से ही कामयाब होंगे। दूसरा रास्ता नहीं बचा है। मैंने परसों वहाँ जब गिरफ्तारी दी वहाँ पर कनॉट प्लेस, तो मैंने उनको ये कहा था, दो तीन चैनल आए, मैंने एक ही बात कही थी कि एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, गुंडे के साथी गुंडे होते हैं कि शरीफ आदमी? उन्होंने कहा गुंडे होते हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया कि गुंडे के साथी महागुंडे मोदी और अमित शाह हैं, इसकी बात क्यों नहीं करते? आज सुबह से मगर टेलीविजन में चल रहा है त्रिकोण संसद, इस त्रिकोण की बात नहीं क्यों नहीं करते? एक दुर्योधन है, दूसरा दुशासन है, और तीसरा ये ब्रजभूषण कीचक है, इस त्रिकोण की बात क्यों नहीं करते? आज सारा मीडिया बिक चुका है, और ये पूंजीपति लुटेरों के जो ये हथियार है, इसको बेनकाब करना पड़ेगा। आप लोग जो है गांव गांव में जाइए, हमारे जो सांसद हैं नजफगढ़ से, जो सांसद है इनका इस्तीफा मांगिए, और ये हर क्षेत्र में करिए, क्योंकि ये हमारी वोटों से बने हैं, हमारे साथ धोखा किया इन्होंने। इनका एक ही काम है, देश बेचना, देश लूटना और देश बर्बाद करना। इन्होंने हमारे धर्म को भी खत्म कर दिया है। हमारा धर्म कहता है, अगर बराबर की उम्र है तो वो हमारी बहन है, बड़ी है तो हमारी माँ बराबर है, छोटी है तो हमारी बेटी बराबर है। पराए धन और पराए स्त्री की तरफ देखना भी पाप है, हमारे ये वेद और शास्त्र कहते हैं। लेकिन ये चरित्र इन लोगों की पार्टी है, ये आरएसएस और भाजपा, इसको मैंने नजदीक से देखा है। मैं 77 से 78 तक आरएसएस में रहा हूँ, और झंडे वाला जिस बैठक में मैं था उसमें एक पुगले भगत नाना जी देशमुख और कट्टापन ठेगड़ी, उसके अलावा बाला साहब देवरज के भाई भाऊ साहब देवरज, दिल्ली सर संचालक विश्वनाथ, जयपुर के रघुवीर गुप्ता और दूसरे लोग भी थे, सबको मैं नहीं जानता था उस समय। अब कितने जवान था, उन्होंने फैसला सुनाया कि भाई चौधरी चरण सिंह की दिल्ली में किसान रैली है, आप यादवों में जाओ, गुजरों में जाओ, श्रेणियों में, त्यागियों में, कुर्मियों में, सभी किसानों में जाओ, और ये कहो कि चौधरी चरण सिंह जाटों का नेता है, और जाटों में ये जाओ कहो कि तुम्हारी इज्जत का सवाल है, और रैली में चलो, क्योंकि वे तो वैसे भी जाएंगे, वे सोचेंगे कि हमारे आदमी है। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि आपस की फूट से यह देश गुलाम हुआ, आप वही जर फिर से फैला रहे हो। किसान के घर जो पैदा होगा, किसान की जो बात करेगा, गांव की गरीब की जो बात करेगा, वो किसी न किसी जाति में जरूर पैदा होगा। आप उसके खिलाफ अन्य जातियों को भड़काओगे, और आप देश में फिर से यह जहर फैला रहे हो। मैं आज के बाद तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। भाइयों, मैं भी मोदी अमित शाह की तरह आज फिट हो जाता कहीं ना कहीं, लेकिन मेरी आत्मा नहीं मरी थी। मैंने कहा कि जो है आप बिल्कुल गंदे आदमी हो, घटिया किस्म के आदमी हो, आप देश में जाति और धर्म की नफरत फैला रहे हो। वो खेल जो आज चल रहा है, वो पहले से ही चल रहा है इनका, और जो है उसके खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। इनका एक ये ट्रेनिंग सेंटर है आरएसएस, जो तैयार करता है, ये पूंजीपतियों की सेना है, और उन पूंजीपति लुटेरों के लिए काम करते हैं। उस किसान मजदूर और समाज देश के ये दुश्मन है, इसलिए इनके खिलाफ आपको चाहे अपनी जान भी देनी पड़े। भगत सिंह,
अशफाकुल्ला और चंद्रशेखर आजाद की तरह ये दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है। मैं ज्यादा न कहते हुए आप सबको ये कहता हूँ, पूरे दिल्ली के हाथ में गांव-गांव में संगठन खड़ा करो। और जो ये दुष्प्रचार करते हैं, मैं कई गांवों में घूमा हूँ, उन्होंने क्या कहा, जो बीजेपी के हैं उन्होंने ये कहा कि पहले शिकायत क्यों नहीं करी। मैंने जवाब दिया, अब शिकायत कर दी, अब आंदोलन कर रहे, अब क्या थोथी कर दी, अब क्या कर दिया आप लोगों ने, आप तो हमारे खिलाफ बोलते हो। दूसरी बात वे कहते हैं ये कांग्रेस ने, भूपेंद्र हुड्डा ने, दूसरों ने पैसा दिया, उनको टिकट देंगे। मैंने कहा तुम ज्योतिषी हो क्या, तुम पूछ के आए हो क्या, लेकिन वे सब झूठे प्रचार हैं भाइयों। और तीसरी बात वे कहते हैं, ये कहते हम ट्रायल नहीं देंगे, ब्रजभूषण ने कहा ट्रायल देना पड़ेगा इसलिए आंदोलन कर रहे, इनको बेनकाब करो, सफेद झूठ बोलते हैं, इनके आईटी को बेनकाब करो और इनको पीटो, जो भी मिल जाए बीजेपी का गांव में मत घुसने दो और इनका सामाजिक बहिष्कार करो। जय हिंद, जय भारत।